Likewise, thank you so much. Tell us how the feeling. It feels great. It's a lovely feeling. ये मेरा पहला best supporting actor award है, and to win for a film like Chapak, which you know is not just a film, it speaks about a lot of other things, and it's wonderful to be receiving an award for that film. No, I would really not want to, you know, add any kind of an added pressure on myself. Not because, you know, I've won an award for best supporting actor. I would just want to stick to my basics. That's what I've done, and that's the reason I'm here, probably. So I would want to continue doing the same things, and let's see how far I can take it forward. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you. Vikrant, sir, man. I'm so happy to work with you, man. I'm just a big fan of I saw Mirza perform, and I felt so sad. Thank you so much. But I'm so glad you were here. Likewise, man. It's not for me. And I'm here for you. Hey. जप नाम क्या कहूँ उसके आगे मैं बस सदा ही जय हो। देखिए ऑडियंस का प्यार है इसीलिए आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, वही अवार्ड दिलाती है। और अवार्ड मिले या ना मिले, जितने फैंस हैं मेरे इतने सालों से, 25 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, और सबने इतना प्यार दिया है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माई फैंस, and that's what I am here for. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ji. Come here. Yes. She'll come back. Okay. I need her. Yeah. And I need you back. Sorry, my award is up. Let me finish in person. Good to see you too, John. I'll come back in 2 minutes. Fine. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, आई थिंक मुझे कुछ अवार्ड भी मिल रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी कि यू नो दादा साहेब फाल्के इज अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। मुझे कार्बन के लिए मिला था लास्ट, जो ग्लोबल वार्मिंग पे फिल्म बनाई थी मैंने, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड जस्ट वेरी ऑनर्ड।
आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। पैंडेमिक से जस्ट अभी हम सभी बाहर आए हैं। अगर आप कुछ बता सकें कि पैंडेमिक के दौरान कोविड एंड लॉकडाउन के दौरान चीज जो आपने सीखी है। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी केयरफुल। मैं मास्क पहन के आया था, अनफॉर्चुनेटली मैं मास्क निकाल के बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगना नहीं चाहिए मैं मास्क नहीं पहनता हूँ। और एक ये सच्चाई है, इसके साथ जीना है तो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। और पैंडेमिक के एकदम बीच में हम बेल बॉटम शूट करने गए थे, सो काम भी करना है, थोड़ा सेफ्टी भी करना है। सो दैट्स व्हाट आई वुड से, जस्ट बी केयरफुल, मेंटेन ऑल द गाइडलाइंस। और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को अलग रख के टेस्टिंग टाइम पे कर लीजिए एंड जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। बाकी तो यही है, डर के आगे जीत है। बेल बॉटम 28 मई को आ रही है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूजा एंटरटेनमेंट के 30 साल की बेस्ट फिल्म है। yes. तो बाकी आप लोग देख के बताना। थैंक ये इवेंट अलग है। हेलो, टाइटल चेंज करवा। एक्साइटेड हूँ, इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वेरी हैप्पी। एक तो इतने समय बाद खुले में इतने सारे लोगों के साथ, इट्स अ सरियल एक्सपीरियंस। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी हियर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वंडरफुल इवनिंग। धमाका तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग काम है जो हो रहा है। वेब में एक शो कर रहा हूँ अभी, उसके बाद अभय है, फिल्में भी एक दो हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में मैं हमेशा मानता हूँ जब तक आपका काम शुरू नहीं होता तब तक कुछ शुरू नहीं होता। तो उनकी बातें तभी होंगी जब एक्चुअली उन पर काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अब वो एक बात है ना कि आई नो कि सबने देखी, सबने बहुत पसंद किया, सबने बहुत सराहा, और थैंकफुली सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चलता है लोगों के रिएक्शन। लेकिन बॉक्स ऑफिस में क्या हो सकता था ये हम कभी नहीं जानेंगे। हो सकता है कि बहुत बड़ी होती, या हो सकता है इतने लोग नहीं देखते, बट वी नेवर नो। सो यस, ऑफ कोर्स हम सबको लगता है कि, और खासकर ऐसी फिल्म को जो यू नो इतना गुदगुदाती है, इतना हंसाती है लोगों को, आई थिंक अ फिल्म लाइक दैट इज एंजॉयड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स टुगेदर एंड नॉट सो मच जस्ट एट होम और ऑन मोबाइल फोन। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग। मुझे लगता है कि जितना भी प्यार मुझे इस फिल्म के लिए मिला है, मेरे किरदार नंदन को या फिर इस फिल्म को, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। अब वो तो तब की बात है, अब आगे क्या होगा ये तो हम जानेंगे यार। अभी तो खुला ही नहीं है मार्केट, अभी जब जाएंगे तो क्या हुआ है, कैसा हुआ है, थिएटर खुलेंगे तब पता चलेगा आगे। बट लाइक आई सेड, राइट नाउ आई एम जस्ट हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पांस फ्रॉम द ऑडियंस। अरे क्या बात है, पूरा नाम छा गए। नो, इट्स रियली गुड टू बी हियर टू सी यू ऑल आफ्टर सो लॉन्ग विद द लॉकडाउन एंड विद द टाइम्स दैट वी बीन इन। ऐसा लगता था जैसे हमारा ये रिश्ता कहीं रुक सा गया था। सो इट्स सो नाइस टू सी यू।
आप सब ठीक हैं? आपके घर पे सब ठीक हैं? God is great. आप लोगों की वजह से देखिए हाजिर हैं. जी. You know, interesting बात ये है कि जब हमने आर्या फिल्म करनी शुरू करी तब वेब सीरीज को कोई अवार्ड्स नहीं दिए जाते थे. तो वी डिडंट डू आर्या विद अ माइंडसेट कि मुझे इसके लिए फिल्म फेयर मिलेगा या क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिलेगा या राज कपूर अवार्ड और नाउ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड. वी डिड इट फॉर द लव ऑफ आवर वर्क. And then I was in Dubai और मुझे वो फ़ोन आया कि आप फिल्म फेयर जीत चुकी हैं फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर आर्या. दबा के रोई हूँ मैं बिकॉज आई डिडन्ट एक्सपेक्ट इट. नो आई डिड एक्सपेक्ट द लव दैट आई डिड एक्सपेक्ट क्योंकि मुझे बहुत किस्मत से ऐसे फैंस मिले हैं जो बहुत दिल से प्यार करते हैं जो बहुत दिल से वेल विशर्स हैं मेरे. तो उन्होंने शुरू से कहा था जब भी आओगे हम धूमधाम से रिसीव करेंगे. That they have done. Yeah. हाँ. नहीं अब आसान हो गया. It's breaking inertia that is difficult. वो कर लिया है लेकिन at this point I just want to keep making them happy knowing जो भी करूँगी ईमानदारी से करूँगी. कभी अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे तो और मेहनत करेंगे लेकिन this is a beginning. It's a whole new beginning. Arya Serene returns. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Good, how are you, man? Sir, congratulations. Thank you so much. Yeah, award, I would like to thank Prakash ji for believing in me and selecting me for the role of Kashipur wale Baba Nirala. Aur unke saath itna maza aaya, he believed and got the best out of me as an actor. And I thank my fans and my new fans for always being there for me and supporting and loving my work. Thank you so much. आश्रम सर आते ही आपको ओटीटी किंग कहा जाने लगा एंड जिस तरह से पैंडेमिक के टाइम पे आश्रम आए लोग अपने घरों में बैठ कर जिस तरह से लोगों ने देखा एंड अप्रिशिएट किया क्या कहना चाहेंगे एंड ओटीटी किंग ये जो नया नाम मिला है ओटीटी किंग किंग्स तो आते जाते हैं yes. काम आपको आपके बारे में आपको आगे बढ़ाता है और आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल दैट पीपल कि लोग मुझे ओटीटी पे नंबर वन स्टार बुला रहे हैं लेकिन ये नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री
बदलते रहते हैं, मुझे बस अच्छा काम करना है, अच्छे रोल करने हैं, उसी में लगा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं बस ऐसे रोल ढूंढता रहूँ, चाहे फेल हूँ या पास हूँ, लेकिन ऐसे ही रोल ढूंढता रहूँ। आश्रम 2 का तो लोगों को बेसब्री से इंतजार है ही, लेकिन 3 क्योंकि मैंने अभी तक स्क्रिप्ट सुनी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगी। प्रकाश जी इज अ ग्रेट फिल्म मेकर, ही हैज डन सच अमेजिंग फिल्म्स, ही इज अ नेशनल अवार्ड विनर, सो आई हैव सो मच फेथ इन हिम एंड इट्स बिकॉज ऑफ हिम आई हैव दिस अवार्ड इन माय हैंड टुडे। सो आई एम श्योर कि सेकंड सीजन भी बहुत ही बेहतर बनेगा, अब देखते हैं कि ऐसा बनता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सेंसरशिप की बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या है? मैं एक्टर हूँ, मेरे को जो रोल मिलता है उस हिसाब से मैं करता हूँ, सेंसरशिप हो या ना हो वो अपने आप हैंडल करती है प्रोजेक्ट को, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। थैंक यू सो मच। भाई